एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के. सर द मोस्ट वेलकम टू यू टू आवर चैनल द ट्रैक्टर एफसी. सो सर आपका क्या है सर आज के बारे में एएफसी वुमेन्स डे कराने के लिए? एएफसी वुमेन डे एक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का ये आयोजन है जिसको कि हिमाचल प्रदेश में खंड में किया जा रहा है. पिछले वर्ष भी हमने यहाँ पे आयोजित किया था जिसमें कैबिनेट मंत्री श्रीमती सरवीन चौधरी जी ने उसमें भाग लिया था. और ये हमारा प्रयास है कि महिला फुटबॉल को ऊपर उठाने के लिए हमने आज का ये जो दिवस है बनाया है. सर वैसे देखा जाए तो सर वुमेन्स डे की आज आपने एक टीम बुलाई हुई है, तो सर ये इस टीम के बारे में थोड़ा आप हमें बता सकते हैं? ये महालपुर से एकेडमी है और बहुत अच्छे इसमें खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं जो कि संदीप जी इसको कोचिंग देते हैं और पंजाब से इनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है. और अक्सर हम इनके साथ फ्रेंडली मैचेस खेलते रहते हैं आगे और बड़े अच्छे खिलाड़ी इन्होंने तैयार किया है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य के अंदर भी इन किसी तरह से टीम का परफॉर्म करती है. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर द अंडर 17 वुमेन चैंपियनशिप दैट यू विन इन द कोल्हापुर. ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो अंडर 17 हमारा गोल्ड मेडल रहा है इतिहास में पहली बार हिमाचल प्रदेश ने प्रथम स्थान जो है वो कोल्हापुर में प्राप्त किया है. इससे पहले कभी भी हमारा जो है ये प्रथम स्थान नहीं आया है और इससे जो है लड़कियों का बड़ा मनोबल ऊंचा उठा. और सर इससे पहले भी हमने देखा है कि 2018 में गर्ल्स की जो अंडर 14 की टीम थी वो थर्ड पोजीशन में आई थी, तो सर उस टाइम भी आपने काफ़ी मेहनत की थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? ये जो अंडर 14 के अंदर हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया ये भी पहली अंडर 17 का जो गोल्ड आया उससे पहले हमारा ब्रॉन्ज मेडल रहा है. और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष सीनियर वर्ग के अंदर भी हमारी टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल खेली है सीनियर नेशनल के अंदर. और हमें पूर्ण आशा है कि आने वाले समय के अंदर हिमाचल प्रदेश जो है नेशनल गेम के अंदर मिलेगा, क्योंकि सीनियर नेशनल के अंदर हमारे बेस्ट 8 के अंदर रही है पोजीशन. तो देखते हैं भविष्य के अंदर, हम आशा करते हैं कि नेशनल गेम हो और हमें उसमें पूरा मौका मिले. जैसे सर देखा जा रहा है कि अब जो फुटबॉल है हिमाचल में गर्ल्स की वो काफ़ी तरक्की भी है, मतलब कि पहले थर्ड पोजीशन की अब अंडर 17 चैंपियनशिप है और गर्ल्स की जो टीम के जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी जो है इंडिया कैंपियन सेलेक्टेड हैं और आगे भी यही पता लगा है कि उनमें से कुछ जो गर्ल्स हैं वो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करेंगी, तो सर इसके बारे में आपका फ्यूचर प्लान क्या है गर्ल्स को लेकर हिमाचल में? ये सबसे पहले तो मुबारक के योग्य हैं खड़के जितने भी माता पिता हैं जिनकी ये लड़कियाँ हैं, और उसके लिए यहाँ का पूरा जितना भी गांव है वो उनका मैं आभारी हूँ कि वीमेन फुटबॉल जिस तरह से हिमाचल में तरक्की कर रहा है तो मुझे आशा है कि हमारे और ज़िला के अंदर भी इसी तरह से वीमेन फुटबॉल पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुत हिमाचल के बड़े क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंदर वीमेन फुटबॉल जो है अभी तक इतना प्रचलित नहीं रहा है. और आशा करता हूँ कि हमने सभी जिला फुटबॉल संघ को कहा है कि अपने यहाँ जो है महिला फुटबॉल को ऊंचा उठाया जाए और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये सब कुछ हमारे को देखने को मिलेगा. थैंक यू सर जो आपने हमारे साथ अपने जो विचार शेयर किए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू. आज हमारे साथ है एयरविल कंपनी की सेक्रेटरी मिस मोनिका एंड मेंबर ऑफ द कंपनी मैम मोनिका. मैम हम काफ़ी पहले दिन स्वागत है. पानी पी गए हैं आज स्टूडेंट. पानी पी गए हैं. मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आज आपको ये इवेंट देखा आपको कैसा लगा? ऊना की तरफ से आप सब लोगों को स्पेशली जो यहाँ की टीम के जो कोच हैं स्टूडेंट्स हैं और इस गांव के जो लोग हैं जो हमेशा से ये हमारा सेकेंड टाइम हम यहाँ पे आए हैं, तो मुझे भी पहली बार देखने को मिला कि इस गांव के पर्टिकुलरली लोग जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि बच्चियाँ आगे आएँ. और
ये सेकेंड टाइम मैंने देखा कि वो इतनी मोटिवेशन से, जैसे अभी मुझे पता चला कि एक फैमिली की 3 बेटियाँ यहाँ खेल रही हैं और उनकी दादी भी ये मैच देखने आई है, माता उनकी मदर भी यहाँ मैच देखने आए हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से प्रमोशन टू सम अदर फैमिलीज ऑल्सो, कि आप एक फैमिली जो है उसकी 3 बच्चियाँ खेल रही हैं, दादी देखने आए हैं. तो वुमेन डे पे इससे अच्छा एग्जाम्पल और कोई नहीं मिल सकता. और हम सबको ये सीखने को मिलता है कि हम जो हैं वो इस तरह से अपने गांव में भी बच्चियों को पढ़ने में नहीं, बाकी सब फील्ड्स में जो है उनको आगे लाएं. और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इनरविल है या और सोशल वेलफेयर ग्रुप्स जो हैं वो इनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं. और जिस तरह से यहाँ पे जो मैचेस होते रहते हैं तो इनके लिए बहुत आगे जो है आने वाले टाइम में इनकी एकेडमिक और इनकी जो जॉब्स प्रोफाइल के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो बहुत ही अच्छा है ये इस तरह के मैचेस होना. तो आज हमारे साथ हैं बीडीसी मेंबर मिस सुनीता देवी. तो मैम आपका हम तहे दिल से आज शुक्रिया करते हैं कि आप हमारे फंक्शन में हैं. तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये आज का वुमेंस डे के बारे में आपका क्या विचार है? आज की जो ये दीपक शर्मा जी ने मुहिम चलाई है, पिछले साल भी उन्होंने ये प्रोग्राम किया था, बहुत अच्छी मुहिम चलाई है. मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हमारे खट गांव में कभी लड़कियाँ खेलती नहीं मैंने सुनी थी, लेकिन जब से ये यहाँ आए हैं खेल रही है और अच्छी अपनी फिटनेस का भी ध्यान है बच्चियों का, और बहुत अच्छी मुहिम है उन्होंने हमारे गाँव का बहुत नाम रोशन किया. हाँ वो तो है मैम, एक्चुअली सर जो है वो सुबह 5 बजे उठ के भी बच्चे की क्लास लेते हैं, उसके शाम को भी लेते हैं. तो सर मैम वैसे आपका क्या कहना होगा, मतलब वुमेंस डे के बारे में आप वुमेंस को क्या इनकरेज करना चाहेंगे हमारे मीडिया के थ्रू? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लड़कियाँ महिलाएँ आज किसी भी क्षेत्र में काम नहीं है, वो मर्दों के साथ कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही हैं. तो आजकल हमारी सरकार ने ये भी मुहिम चलाई है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये भी बहुत अच्छी है क्योंकि आजकल बेटियाँ बेटों से कम हैं. मैम आपको वैसे फुटबॉल में कैसा इंटरेस्ट है आपका, वैसे बता सकते हैं थोड़ा सा? मैंने कभी फुटबॉल कभी गई नहीं थी, लेकिन जब से यहाँ दीपक शर्मा जी ने ये मुहिम चलाई है तो मैं आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. कोऑर्डिनेटर हैं HPFA के ट्रेजरर मिस्टर नरेश राणा सर, प्लीज इनके लिए तालियां जोरदार. एलिमिनेट एलिमिनेट ब्लू. Hello, my name is Ritika. Hi, my name is Komal. I am 16 years old. I am 15 years old. फुटबॉल मतलब के शुरू से ही, पहले तो हम खेलते नहीं थे, फिर 7th में आकर हमें हमारी कोच संदीप सर हमें थोड़ा थोड़ा मतलब के सिखाना चाहा, फिर हम ऐसे आगे आगे बढ़ते गए और यहाँ तक आज पहुँच चुके हैं. मेरा फेवरेट प्लेयर नेमार है, मुझे उसकी गेम बहुत अच्छी लगती है. मेरा फेवरेट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, मुझे उसकी गेम बहुत अच्छी लगती है, मैं उसकी लाइफ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. और आपको कैसा लगा आज का ये पूरा जो भी हुआ? बहुत अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल. जैसे जैसे आपने ऑर्गेनाइज किया था सब प्लेयर गेम, बहुत मज़ा आया उसको देख के. आए भंगड़ा. मेरा नाम मनप्रीत कौर, मेरी उम्र 10. मेरा नाम भूमिका है, मेरी उम्र 11 साल है. मेरा नाम महक है, मेरी उम्र 11 साल. मेरा नाम भावना है, मेरी उम्र 12 साल. आपने फुटबॉल खेलना कब शुरू किया था? 2 साल. 2 साल से सबने. आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेसी. फुटबॉल आपको क्यों पसंद है? फुटबॉल आपको क्यों पसंद है? अच्छा लगता है.
सुषमा प्रियंका आदित्य। आप कितने साल के हो? 18, 17। आप लोग फुटबॉल कब से खेल रहे हो? सब एक साथ 5 साल से खेल रहे हो। आप फुटबॉल की पसंद है? बहुत शौक है। फेवरेट प्लेयर कौन सा आपका? सबका मेसी। मेसी सबका। ओके, आप आज का इवेंट आपको कैसा लगा? जो आप जो गोल कंसीड किया था वो तो लग भाई चांस था, पर पूरा गेम तो आपने बहुत अच्छा खेला, टू बी ऑनेस्ट। और आप प्रैक्टिस कब करते हो? मतलब मैंने सुना था कि सर आपको प्रैक्टिस करते हैं, कराते हैं। 5:30 बजे सब लोग आ जाते हो, वरना आप लोग रोज सुबह आते हो। बहुत अच्छा, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। स्टार्ट। मेरा नाम आशा है, मैं 17 इयर्स ओल्ड। आप कब से फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया आप लोगों ने? अभी कितने साल हो गए अभी तक? मतलब 4 साल से सभी लोगों ने। अब फुटबॉल की पसंद है आप लोगों को? अच्छा लगता है हमें खेलना, ये एक अच्छा ही मतलब कि गेम है। इससे कई बच्चे हैं जैसे जो नशे में पड़ जाते हैं, उससे वो बच सकते हैं, इसलिए ऐसे भी अच्छा है बैठते हैं। और आप कितने नेशनल खेल चुके हैं अभी तक? 3 सीनियर। 3 सीनियर नेशनल। और जूनियर्स में? जूनियर्स 2। 2 कौन कौन सी? सब जूनियर अंडर 17 और अंडर 14। वाओ, और हमने सुना है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिली है NHFL की तरफ से। यस सर, हमें अभी 5 लड़कियों को ही मिली है। सर तो पूरी कोशिश करते हैं हमारे लिए, और भी वो चाह रहे हैं कि औरों को भी मिल जाए सभी। चलो बढ़िया है। मैं 3 सीनियर 2 जूनियर। 2 जूनियर कौन कौन सी कैटेगरी में? अंडर 17 अंडर 14। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।